मंदिर शंभू दयाल में रात से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। कांवड़िए रात से ही मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं। शास्त्रों में सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। जो श्रद्धालु सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में लगातार श्रद्धालु अलग अलग जगहों से जल लेकर अलग अलग शिवालयों पर पहुंचते हैं और खास तौर पर सोनीपत का ऐतिहासिक मंदिर शंभू दयाल है और यहां पर भी श्रद्धालुओं का सुबह से ही जन सैलाब है। खास तौर पर आस्था के लिए यहां पर सुबह से ही कतारबद्ध होकर श्रद्धालु पहुंचे हैं और ये तस्वीरें भी आप देख पाएंगे कि यहां पर जिस प्रकार से अलग अलग श्रद्धालु दूर दराज से पहुंचे हैं। और सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए कि श्रद्धालु जो है यहां पहुंच कर लगातार जो है भोले बाबा के चरणों में अरदास उठा रहे हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे अलग अलग कांवड़िया जो जल लेकर अलग अलग जगह से पहुँचे हैं और श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन बात करें तो यह काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जिस प्रकार से बात करें तो ऐतिहासिक मंदिर में कहीं ना कहीं सुबह से ही लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बात करें तो ये एक काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है और श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है जल अभिषेक सुबह से ही हो रहा है और लगातार श्रद्धालु पहुंचकर शिव मंदिर में पहुंचे हैं और ये तस्वीर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर श्रद्धालु भोले बाबा पर शिवलिंग पर जो है जल अभिषेक कर रहे हैं। लिहाजा काफ़ी उत्साह लोगों में है और जिस प्रकार से शिवरात्रि में का पर्व है तो ऐसे में श्रद्धालु भी लगातार अपनी मनोकामना पूर्ण करने को लेकर मंदिरों में पहुँचते हैं। कुछ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं और खास तौर पर पूजा पाठ का क्या महत्व मानते हैं आज के दिन, क्योंकि काफ़ी प्राचीन मंदिर में आप पहुँचे हैं? मैं सोनीपत से ही सेक्टर 23 का निवासी हूँ। मैं इस ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर में, शिव मंदिर है जो हमारा ये शंभू दयाल स्कूल में, इसमें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहीं पर ही जल चढ़ता आ रहा है और हर वर्ष हर सावन हम भोले पर जल चढ़ाते हैं, अच्छी तरह से पूजा पाठ करते हैं। हमारा सनातन धर्म जो सर्वप्रिय है, सबसे अच्छा है। और पूजा पाठ की है आज? हाँ जी, पूजा पाठ करी है, जल चढ़ा दिया। और यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए पहुँचे हैं युवा वर्ग और अलग अलग कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातें करते हैं। मैं पूजा पाठ करने के लिए पहुँचे हैं, क्या कहेंगे, कितना प्राचीन मंदिर है? पूजा पाठ करने से भगवान शिव बहुत अच्छे से मनोकामना पूरी करते हैं। सब यहाँ श्रद्धालु भीड़ से अंदर से आराम से पूजा कर रहे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं इसके भोला बाबा। अच्छा, काफी कावड़िया भी जल लेकर पहुँचे हैं? हाँ, बहुत ही ज्यादा संख्या में कावड़िया पहुँचे हैं और सबका जल अच्छी तरह छोड़ा है यहाँ पे, सबकी मनोकामना भोले बाबा पूरी करेंगे। आंटी आप क्या है, कितना प्राचीन मंदिर है, कब से यहाँ आ रहे हैं? 80 से आ रहे हैं यहाँ, ये बहुत पुराना मंदिर है, शिवलिंग निकला हुआ है यहाँ पर। कितनी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है सच्ची श्रद्धा से? जो सच्ची श्रद्धा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अलग अलग श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं और भोले बाबा के चरणों में अरदास लगा रहे हैं। लिहाजा अगर बात करें तो आज शिवरात्रि का पर्व है तो सुबह रात के 12 बजे के बाद ही जो है इस प्रकार से जल अभिषेक शुरू हो गया था, लिहाजा श्रद्धालुओं में एक बड़ी आस्था है और ऐसी आस्था को लेकर सनातन धर्म में लगातार श्रद्धालु पहुँचते हैं और एक बड़ा जन सैलाब अलग अलग शिवालयों में देखने को मिल रहा है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह।